उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा किया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों, नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलों में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। उनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगी मिले तो हे सखी, इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछती हैं कि भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके यह सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए और सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं।
आगे श्री राम जी हैं, पीछे श्री लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आबसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। आप जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की
सेना नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अंधकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से करते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह की प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथारूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लाल चायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्राराज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्व स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दम्भ और माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आप ही की शरण है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।
जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विराम स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उतर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फेरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रतिज्ञा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देख कर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उतर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फेरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रतिज्ञा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी।
लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाग, आज हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटे चले जा रहे हो। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनित वचन कहते हैं, हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हैं। हे कोसल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभो, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और कोह सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जाने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे।